नाइजीरिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लागोस में बारिश के मौसम के दौरान गाड़ियों से लेकर घरों के अंदर तक पानी भरा रहता है, जहां हर साल एक दो हफ्ते नहीं मार्च से लेकर नवंबर तक बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसकी वजह से हर साल $4 अरब का नुकसान होता है। इस साल जुलाई में हाल के सालों में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई है। वैज्ञानिकों को डर है कि सदी के आखिर तक इस शहर में हालात ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ जीना नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे वजह है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता समुद्र स्तर। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के मुताबिक खराब ड्रेनेज सिस्टम और बेलगाम बढ़ते शहरीकरण के कारण ये हालात बदतर हुए हैं। नाइजीरिया की हाइड्रोलॉजिकल एजेंसी नेसा ने भविष्य में संकट बढ़ने की आशंका जताई है जब बारिश का मौसम अपने चरम पर होता है। लागोस का तट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के मुताबिक यहाँ रेत के खनन के चलते तट को नुकसान पहुँचा है। वहीं समुद्र स्तर के बढ़ने से पानी टापू के अंदर दाखिल होने लगा है। एक और स्टडी के मुताबिक निचले इलाकों में बसे तटीय शहर साल 2100 तक पूरी तरह से पानी में समा सकते हैं। क्लाइमेट सेंट्रल की स्टडी में कहा गया है कि अगर समुद्र स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये शहर हाई टाइड लाइन के नीचे डूब सकते हैं। इन इलाकों में आज 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। सदी के आखिर तक समुद्र स्तर के 2 मीटर से ज्यादा बढ़ने की आशंका है। लागोस भी इसकी जद में आता है। पिछले साल 20 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ से तबाही झेलनी पड़ी थी। करीब 70 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि उसके पहले 2019 में 2 लाख से ज्यादा लोगों पर असर हुआ था। स्थानीय लोगों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खराब ड्रेनेज व्यवस्था इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, वेटलैंड्स को खत्म करके इमारतें खड़ी की गयी, जिसका नतीजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले विभीषिका को रोका नहीं जा सकेगा।